अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। फोन पे क्या बात करनी है? बात करनी है, रोना है। अरे रोनो तो हम समझ ही गए थे, वो तो दिखा ही रहो, फोन में तो कछु बोलो तुम। काश अम्मा आ पाती, फिलहाल तो अरे दोनों हिम्मत कर काश हम भी चढ़ पाते। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा हाथ तो उड़ गयो ना सपीटे जे बता कि का जरूरत हती दूसरों के काम में फंसने की है? हम सब की ते जान अटकी भैया। कैसी बातें कर रही है अम्मा तुम? हमें का पता है तू कि जो जेलर इतनो सख्त होगो, दीगु लट बहुत ज्यादा कड़क है, हम प्रोग्राम पूरा फेल कर दो। ना सपीटे तेरा कभी कोई प्लान पास भाओ जो अब होगो। नरोगे जीजा को का मतलब है? मतलब तुम इतने ही रहोगे, तुम्हारी रिहाई नहीं होगी? अरे रंजू जू के सवाल है। अरे रेशम पला हमें का पता कोमा में चलो जाएगो, अब जब तक वो होश में नहीं आ रहा हूँ ना तब तक हमें लग रहा हूँ हम इतना ही अटके रहेंगे। मुझे मलाइका बता रहे थे इतने कुछ जो जेलर है ना बहुत ही दरिंदा है वो। पता है जो लाठी होती है ना डंडा, वो को सरसों को तेल पिला पिला के कई दिन की सुताई करतो है। सिर्फ कुटाई कर दो तो भी ठीक है तो। चलो अच्छू है, अम्मा तो समझी लेकिन रज्जू ना समझी। अम्मा तुम्हें पता है जब जेल से भाग रही थी ना, जुगाड़ लगा रही थी, जो जेलर ने जो कूटो है ना बटेम पे, जो धीकु लट्ट जो पीछे खड़ो है वो भी हतो जाको भी खूब अच्छे से पेलो तम से को ओ दादा। ओके अम्मा अब तुम्हारा एक काम करो, वो को भरत मिलन तुम्हारे जाओ, हम घबराहट हो रही, तुम जाओ, हम मनोबल गिर रहा हुए, जब तक वो कोमा से बाहर नहीं आएगा ना रेशम पल हम बाहर ना आ पाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देख रही तुम तो, देख रही कैसी बातें कर रही है, यहीं रहेंगे? मतलब जो आदमी के संग रहेगी ऐसे बोल रही है जैसे मेला देख रही हूँ। रज्जू जी जेल है क्या रहते से? अब कौनो तो तरीका होगा तुम्हारे पास? तरीका हम बताते हैं अपुआ, हम बात दरिंदे से जाके बात करेंगे हैं? देख बेटा, माँ की ममता के सामने बड़े से बड़े दरिंदे पिंगल जाते हैं, जो ना पिंगलो ना तो हम बात ना से बीटे के नींबू निचोड़ देंगे। अब बचा लियो दरोगा जी। अरे तो फिकर काय करी, रो मत, हम है ना। जाको ले जाओ, ले जाओ जाको, ले जाओ। बेटा, हमारे पापा को छोड़ दो, निर्दोष है वो, निर्दोष। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर आया है आपका लौंडा, और आते ही हमारे कैदी को फरार करा दिया। अरे आपको तो पता है हमाओ लाल दरोगा है, वो गैर कानूनी बात तो कर ही नहीं सकते हैं, आपको गलत फहमी आ गई है। माता जी, यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते इस जेलर की मर्जी से हैं। बेटा, तुमने माता जी कहा ना, हम कह रहे हैं हमारा अपुआ निर्दोष है, छोड़ दो वक्त, छोड़ दो। रोना धोना कहीं और कीजिएगा जाकर, मेरा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जेलर साहब इतने कठोर नहीं बनो आप, दरोगा जी ने कुछ नहीं करो है, उनको फंसाओ जा रहे हो है। हम सही कह रहे हैं। बस तो वो खुद ही गया है, अब देखता हूँ मेरे शिकंजे से कैसे निकलता है। अम्मा, बेटा, अम्मा की अम्मा
तुमने हमें माता जी बोला ना, हम बाकी माता जी है, हम बाकी गारंटी ले रहे, वो बेकसूर है। आपकी राय मांगी किसी ने? हप्पू सिंह यहीं सड़ेगा इसी जेल में, और देखता हूँ कौन माई का लालों से बाहर निकलता। बैठो यहाँ। जेलर साहब, ऐसा है, बिना किसी गुनाह के ना आप किसी को जेल के अंदर नहीं रख सकते कैद। और रही बात आपके अपराधी की, ये रहा कैदी नंबर 911, ये उसकी गर्लफ्रेंड एमिली। चुड़ैल, सारी साजिश ने रची। नाजी बेटी, मेरी जेल में सुरंग खोदकर चूहे की तरह भागने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चीखे निकालूं तेरी। जेलर साहब, इसकी क्या गलती, इसे तो दरोगा हप्पू ने भगाया था ना। अच्छा, एक सेकंड, बड़ी बोली बन रही है यहाँ बैठ के है, और ब्लैकमेल किसने करा था ये सब करने के लिए? सर ऐसा है, बैठ के ना बहुत भोली बन रही है, लड़की सारी साजिश इसी की रची हुई है। इसी ने धोखे से ना मेरे बापू को वहाँ होटल में बुलाया, आलतू फालतू से फोटो ली, फिर ब्लैकमेल करा कि अगर ये नहीं करा तो फिर इसलिए बापू को वो रास्ता अपनाना पड़ा ये सब करने के लिए। बापू निर्दोष है सर, उसकी कोई गलती ना है। अम्मा देख लो, जाइए वो चुड़ैल। देख कैसी नासबीटी ट्यूबलाइट बन के आई है। मजबूरी में ही सही कानून तो तोड़ा। अरे सर, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, कोई कानून नहीं तोड़ा है। कमिश्नर सर से परमिशन लेके हम सारा का सारा प्लान कर रहे थे। अब प्लान यही था कि पहले से जेल से छुड़वाते, उसके बाद इसे वापस आपके हवाले कर देते, लेकिन हमारी फूटी किस्मत निकली, वो कमिश्नर सर को वो कोमा में चले गए। देखो बेटा, अब तो सारे सबूत मिल गए, अब तो छोड़ दो हमारे लाल को। बिल्कुल नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आया आपका लड़का अंदर। अरे सर कैसे, पूरी फाइल है मेरे पास, एक एक सबूत है उसके खिलाफ। अरे सर, लेकिन वो मर्डर केस भी तो नकली है सारा। अब खुद बताओ, ये जिनके नाम पर मर्डर केस है, हाफ मर्डर का ही तो जिंदा बैठे हैं आपके सामने, जॉन सलीम। हाँ हाँ साहब, मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी ने नहीं मारा और ना कभी किसी ने मारने की कोशिश की। दिख रहा है मुझे, लेकिन तुम ही जॉन सलीम, उसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड दिखाओ। इनका सबूत, बस सर, अब तो हो गया प्रूव, अब या और भी कोई सबूत चाहिए तो अभी बता दो। बहुत मरने का शौक है ना तुझे, डालूं जेल के अंदर, निकलवाऊं तेरी चीखें। दरोगा जी को छोड़ दो, बाकी जो करना है करो। जेलर साहब, दरोगा जी को छोड़ दो, अब तो सबूत मिल गया ना। ठीक है, कल सुबह हप्पू सिंह अपने घर पहुंच जाएगा। हाँ, कल सुबह? कहे कल कहे? आज रात भर हप्पू सिंह की मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। मेहमान नवाजी कहे? मैडम इतनी गहरी सुरंग खोदी है उसने, इनाम तो बनता है, जो गलत है वो गलत है। कोई नहीं मम्मी, आ जाएगा सुबह, आ जाएगा बापू, चलो। हाँ खुश रहे बेटा, है खुश रहे, लड्डू भिजवा देंगे हम तुम्हें। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये कितने रहेगी, हमने कही आती ना कि हम छुड़ा लेंगे अपने लाल को, छुड़ा लेंगे। हमारी पोती ने छुड़ाई, एक ही बात है। सही में तुमने अपने पापा को मतलब रिहा करवा दो। अब क्या करूं, जैसा भी है ले देगा, बापू तो मेरा ही है, मेरे अलावा कौन करेगा। ये तो सही कह रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।